गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उधर चावल लेने। मैं बोली थी कि हम लोग का चावल खत्म हो गया है, फिर भी दो दिन जो पुराना वाला बचा था उसी में एडजस्ट किए थे। तो अभी मैं जा रही हूँ चावल लेने आशू और मैं, और वहाँ पे आशू पिएगा नारियल पानी, तो चले ही चलते हैं। और अभी मैंने देखी सुबह उठ के सिर्फ अभी नहा के मैंने सिर्फ पूजा किया है यहाँ पे, यहाँ पे रहे मेरे गणेश जी और मैंने पूजा किया है, क्योंकि चावल थोड़ा भी नहीं है इसीलिए अभी खाना नहीं बनाया है, आकर बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं चावल लेने। आशू यहाँ पे रेडी हो गया है और आशू जाने के लिए रेडी। कहाँ जाओगे? नारियल पानी पीने। आशु को नारियल पानी पिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग नीचे जा रहे हैं। अभी देखिए आशु को स्वेटर डाल दिया, क्योंकि आशु को ठंडा लग रहा था तो हम सोचे कि स्वेटर डाल देते हैं। ये देखिए इधर सीढ़ी है, ठंडा लग रहा है आपको? हाँ चलिए मैं जा रही हूँ। पहले पूरा अंधेरा अंधेरा है, इधर भी रूम इधर भी रूम, दोनों साइड में एक एक रूम है। ये वाला इधर का रूम ना 1 BHK है, बड़ा बड़ा इधर 1 BHK इन लोग अच्छा सेफ्टी है। हम लोग का सबसे लास्ट में है, छोटा रूम है। हम लोग रहते हैं वो तीसरा मंजिल में रहते हैं, हम लोग थर्ड फ्लोर में, बड़ा बिल्डिंग है इसमें 10 रूम है। तो हम लोग आ गए हैं नीचे, और ये देखिए यहाँ का पार्किंग, और हम लोग का गाड़ी इधर खड़ा है देखिए नीचे। और यहाँ पे मेरा आशू आ रहा है। आशू इधर आइए ना, देखिए आशू इधर अंदर में। तो वहाँ पे आया है नारियल पानी वाला, और अभी आशू बैठ गया है गाड़ी में, अभी हम लोग जा रहे हैं। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं, देखिए आशू गाड़ी में बैठा है मस्त। आशू को अच्छा लग रहा है गाड़ी में? अच्छा लग रहा है बेटे को? अभी बहुत गाड़ी चल रहा है क्योंकि ड्यूटी जाने का टाइम है। अभी देखिए पूरा उधर से ट्रैफिक काम से एकदम पूरा गाड़ी चल रहा है। तो दोस्तों अभी पैसा नहीं था ATM से, तो हम लोग आए हैं ATM में पैसा निकालने के लिए। और अभी हम लोग यहाँ पे गार्डन है थोड़ा पास में, तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे आशू आता है शाम के वक्त, जाते हैं कभी कभी। आशू चलिए, आशू को आज ना एक यहाँ पे बहुत सारा डॉग है, दिखाते हैं आपको, ठीक है? और बाबरी इधर देखो, इधर कितना सारा डॉग है ना, और इधर गार्डन। आशू गार्डन जाओगी? देखो इधर इधर गार्डन है ना, वो गार्डन में सब लोग वॉकिंग कर रहे हैं ना। आशू देखिए आशू गार्डन है इधर। हम लोग अंदर जाते हैं, बट अभी चावल लेने जाना है तो नहीं जाएंगे। छोटा सा गार्डन है इधर पास में, आते हैं कभी कभी शाम को, और मैं तो अकेली नहीं आ सकती, आशू को लेके आते हैं। जाओगे आशू गार्डन? जाओगी? और यहाँ पे देखो डॉग देखो यहाँ पे। हाँ हाय बोल दीजिए। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो चलिए चलते हैं। अभी तो टाइम नहीं है क्योंकि खाना भी बनाना है और चावल भी लेने जाना है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। देखिए रो रहे जाएंगे गार्डन में। नहीं अब चलिए, अब जाएंगे, अभी जाएंगे हम लोग। हाँ तो दोस्तों इधर बेंगलोर यहाँ जो है ये वाला, ये ऊपर जो दिख रहा है ये ब्रेड का फैक्ट्री है, और यहाँ पे डेयरी देखिए, ये छोटा सा डेयरी। इसी डेयरी से कल हम लोग आए थे पनीर लेने, ये मतलब आशु के पापा और ये आए थे। और वहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड निकाल रहे हैं पैसा, है ना। डेयरी जाओगी? डेयरी इधर देखो, डेयरी दूध का डेयरी। आंसू कैसे जाएगा? चप्पल नहीं डाले हैं आंसू, कैसे ही ले आए हैं। आंसू जा रहा है पैसा लेने के लिए। पकड़ो 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 पकड़ो, देखिए खुश हो रहा है आंसू। आ जाओ हमेशा। देखिए अंकल जी काट कर दिखाइए थोड़ा मस्त वाला। दे दीजिए, देखिए अंकल जी का स्टाइल मस्त है नारियल काटने का। अंकल जी भी मेरे वीडियो के जरिए आप लोग देख लीजिए, अगर इधर रहते हैं तो यहाँ पे आना नारियल पानी पीने के लिए। अरे बाप रे, पार्सल कर दीजिए। देखिए आशू नारियल पानी पी रहा है, पी लीजिए। हाँ चलिए मैं भी पीती हूँ। किधर है स्ट्रोक? तो नारियल पानी पी लिए हम लोग, अब अभी जा रहे हैं हम लोग दुकान।
खुला है कि नहीं पता नहीं, आया तब तो नहीं खुला था। और अभी जा रहे हैं, देखिए आंसू भी नारियल, आंसू एक नारियल पानी पिया और एक मैं 10-10 रुपए वाला ही पिया छोटा छोटा, और एक पार्सल ले लिए 20 रुपए वाला। जा रहे हैं दुकान, वहाँ पे दुकान खुल गया है, वो दुकान पे लेते हैं छोटा वाला पे। और आंसू यहाँ पे देखिए, चलो जाएंगे चावल लेने, ठीक है आंसू? यहाँ पे देखिए सबका रेट लिखा हुआ है, क्या क्या है, ये दाल है, सबका इतना इतना रेट है। देखिए देखिए दोस्तों कितना महंगा है। हम लोग ये वाला चावल लेते हैं, स्टार्टिंग देखिए 46 रुपए किलो है और ये 50 रुपए स्टार्टिंग से। और ये ना कनकी बोलते हैं ना वो चावल, बहुत छोटा छोटा। आशु के लिए चौकोस लेंगे, यहाँ पे रखा है। आशु चौकोस लोगे? और आशु ना देखिए इसमें का निकाल के ना, ये इसमें का जो मटर है ना वहाँ पे, उसमें का निकाल के खा रहा है देखिए। ये पहले दुकान बड़ा था लेकिन अभी छोटा हो गया, और यहाँ पे यहीं से हम लोग चावल लेके जाते हैं। देखिए सबका रेट कितना है, मूंग 112 रुपये किलो, और दाल नॉर्मल जो हम लोग खाते हैं अरहर का दाल 118, 126 सब रेट। देखिए यहाँ पे सब चीज़ ओपन भी मिलेगा है ना। देखिए दोस्तों सब्जी वाला लगा है, और इधर हम लोग दुकान पे भी चावल ले रहे हैं। यहाँ आंटी बहुत फ्रेश फ्रेश सब्जी बेचती है, लेकिन ना सब चीज का रेट 120 रुपये किलो रहता है, सब्जी 80 रुपये से कम रहेगा नहीं। और इधर भी एक नारियल पानी वाला लगा है, यहाँ पे भीड़ रहता है, सब लोग जा रहे हैं काम पे अभी। तो अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, देखिए कैसे सजा है पूरा दुकान, फैंसी स्टोर। और 9 बजा जस्ट यहाँ पे देखिए ट्रैफिक चालू हो गया, ट्रैफिक में अभी हम लोग फंस गए थे क्योंकि सब लोग अभी जा रहे हैं ड्यूटी एकदम से भाग भाग के। बेंगलोर में कोई बैठता नहीं है ना। और बच्चे लोग देखिए वहाँ पे हमारे घर के पास के बच्चे लोग जा रहे हैं क्या बोलते हैं स्कूल जा रहे हैं स्कूल। हम लोग आ गए इधर से, पता नहीं हम लोग स्कूल भेजेंगे आंसू को कौन से स्कूल में भेजेंगे, क्योंकि बहुत महंगा है यहाँ का स्कूल। यहाँ पे होटल से इडली लेके जाते हैं हम लोग आंसू के लिए। हम लोग आ गए बस थोड़ा दूर, और फिर हम लोग रहते हैं जिधर ना हमारा बिल्डिंग उधर, मतलब किराए का बिल्डिंग हमारा नहीं है। यहाँ पे देखिए एक देवी टेम्पल है, पुण्यश्वरी टेम्पल, जय माता दी। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, अब जा रहे हैं ऊपर, आ गए हम लोग। तो दोस्तों अभी मैं बना रही हूँ खाना जल्दी से, चावल पहले रख दूंगा। आज सब्जी क्या बनाएंगे मेरे को पता नहीं है, सब्जी है बस पत्ता गोभी, तो मैं अभी टमाटर का चटनी ही बना देती हूँ। पत्ता गोभी को फिर आलू के साथ बनाएंगे सूखा सूखा, तो टमाटर का चटनी में ही खा लेते हैं क्योंकि शाम को भी बनाना है सब्जी, और सब्जी लेकर नहीं आए हैं। तो अभी चावल, अभी 10 किलो हम लोग चावल लाए, वही चावल को बनाऊंगी। और आशु यहाँ पे खेल रहा है ना, आशु आशु अपने पापा के साथ मस्ती कर रहा है। तो देखिए एक गिलास में मैं एक गिलास चावल बनाती हूँ, और एक टाइम के लिए हम लोग को होता है आशु आशु पापा और मेरे तीन लोग। पता नहीं ये चावल कैसे बनेगा, तो हर बार लाते हैं दूसरा बनता है, कभी बहुत अच्छा से बनेगा, कभी एकदम से गीला बन जाता है भात, एकदम से अच्छा नहीं बनता। पानी भी खत्म हो गया है, जाइए पानी लेकर आइए। आशु बदमाशी नहीं करते, चावल नहीं गिराओ, ठीक है? चावल में नहीं घुमाना, हाँ मोगली दूंगा, मोगली जाइए पापा मोगली देंगे, ठीक है जाओ। थोड़ा सा डाल देते हैं नमक, कि चावल में थोड़ा सा नमक डाल देंगे, सब्जी में कम डालते हैं हम लोग। इधर कर्नाटक में ना, इधर कर्नाटक में ऐसे नमक डालते हैं भात, तो मैं भी इधर रहती हूँ तो आदत हो गया है, थोड़ा सा डाल देती हूँ।
देखिए आंसू लग गया, मोबाइल पकड़ के मोगली देखना। वो मेरे को ना जब वीडियो बनाती हूँ ऐसा तो बनाने नहीं देता है। अभी अभी उसके पापा हैं ना साथ में, तो उनके मोबाइल पे देख रहा है। और मैं इस बॉक्स लाने के लिए बोला था लेकिन भूल गए हम लोग। लाइटर को मेरा आंसू खराब कर दिया है, लड़का ऐसे ही करता है। टमाटर की चटनी बना लेती हूँ, ठीक है खा लोगे ना? टमाटर का रसम, रसम रसम का पाउडर नहीं है। देखिए वो बोल रहे हैं कि रसम बनाओ। इधर कर्नाटक में जो बनता है रसम, जो लास्ट में खाना खाने के बाद पीते हैं और खाना के भी साथ खाते हैं, बोल रहे हैं कि रसम बनाओ, लेकिन मैं रसम पाउडर नहीं लाई। अभी जब दुकान गए थे तो वहाँ पे था पता है रसम का पाउडर, वीडियो में दिखा होगा आप लोग देखना, लेकिन हम लोग लाना भूल गए। अगर लाए रहते तो बना देते रसम चटनी ही बना लेते हैं टमाटर का। तो और सब्जी भी तो नहीं है कुछ भी, कैरेट है गाजर, तो उसको थोड़ी ना बनाएंगे। टमाटर के साथ